हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ वैदेही पटेल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। बच्चों, आज हम चैप्टर 5 धरती को महकाए वो वाली कविता समझेंगे। इस काव्य में प्रकृति के तत्व फूल, सूरज, दीपक की बात कही गई है। फूल हमेशा मुस्कुराता रहता है, सूरज रोज अपना प्रकाश फैलाने का कार्य करता है और दीपक खुद जलकर जगत को रोशनी देता है। हमें भी किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता से अपना काम करना चाहिए और अपनी धरती को ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज पहले हम ये वाली कविता अच्छी तरह से सुनेंगे। कविता का गान कीजिए। पत्तियों की फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं। पत्तियों की फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं। आंधी हो, पानी हो, चाहे सबको हंस हंस सहते हैं। सूरज की किरणों को देखो रोज धरा पर आती है। अंधकार को दूर भगाकर सारा जग चमकाती है। दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है। अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है। आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाए। अच्छे सच्चे काम करें और सारी धरती को महकाए। सारी धरती को महकाए। अच्छा लगा ना सुनना? अब आप खुद गाना भी है, बहुत अच्छी है ये पोयम। चलो आज आगे हम समझते हैं। कवि कहते हैं, बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं। बगिया यानी गार्डन, फूलों यानी फ्लावर्स। आंधी हो, पानी हो, चाहे सबको हंस हंस सहते हैं। यानी कि कवि कहते हैं, बगिया के फूलों को देखो वो कैसे खुश रहते हैं। चाहे आंधी आए या बारिश, ये सबको हंसते हुए सहन करते हैं। आगे, सूरज की किरणों को देखो रोज धरा पर आती है। अंधकार को दूर भगाकर सारा जग चमकाती है। तो सूरज की किरणों को देखो, वो हर दिन प्रतिदिन वो धरती पर आती है। वे रात के अंधेरे को दूर करके सारे संसार को क्या करती है, चमकाती है यानी प्रकाशित करती है। तो सूरज से हमें क्या सीखना मिलता है, वो हर रोज प्रतिदिन वो क्या करता है, सुबह उठ के धरती को उसकी किरणें धरती पर आती हैं और अंधेरा दूर भगाकर सारे संसार को प्रकाशित करती है। तो सूरज से हमें ये सीख मिलती है। फूलों से क्या मिलता है, चाहे आंधी हो या तूफान हो, हमें हंस के उसका सामना करना चाहिए। आगे, दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है। अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है। दीपक यानी दिया। तो दीपक को देखो वो हरदम कैसे जलता है, वह अपना हृदय जलाकर जलाता है लेकिन दुनिया को उजाला देता है। अपना अंतर जला, अंतर यानी हृदय,
वो खुद जलता है, लेकिन लेकिन वो सबको क्या देता है, रोशन रोशनी देता है, देता है ना। आगे आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाए, अच्छे सच्चे काम करे और सारी धरती को महकाए। तो कहते हैं कि आओ सब लोग हम भी इंसान बने और संसार में अपना नाम रोशन करे, अपना यश फैलाए, हम अच्छे अच्छे काम करे, हमारे अच्छे कामों से यह धरती सुंदर एवं सुगंधित बनाए। तो मित्रों, हम आज ये चैप्टर 5 धरती को महकाए, ये आज हमारा खत्म होता है। आगे देखते हैं अभ्यास। अभ्यास प्रश्न 1, इस काव्य को टेप रिकॉर्डर द्वारा सुनिए और सामूहिक तथा व्यक्तिगत गान करवाइए। आपने तो ऑलरेडी ये सुना है, अब आपको खुद को गाना है। आगे क्वेश्चन 2, अंदाज अपना अपना। फ्रेंड्स, अभ्यास और स्वाध्याय की मैं आपको PDF भेजूंगी, आपको वो लिखना होगा आपकी नोटबुक में। और ये जो है वो आपको टेक्स्ट बुक में मैं आपको भेजूंगी, ये वाला सर्वनाम रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वो वाला, 5-6 वाक्य चित्र के आधार पर लिखना है ये वाला भी मैं आपको भेजूंगी। आपको इसी के अंदर लिखना है, ये वाला नोटबुक में लिखना नहीं है। आगे समानार्थी शब्द कविता में से ढूंढकर वाक्य प्रयोग कीजिए। आपको समानार्थी शब्द जो है वो भी आपको इसी में लिखना है, आपको नोटबुक में लिखना नहीं है। यानी कि प्रश्न 5 अ ब और प्रश्न 6 ये आपको आपकी नोटबुक में लिखने नहीं है, आपको आपकी टेक्स्ट बुक में ही लिखने हैं, मैं आपको लिखकर भेजूंगी। आगे ये भी मैं आपको PDF भेजूंगी, आपको इसी को टेक्स्ट बुक में ही लिखना है, नोटबुक में लिखना नहीं है। तो आज हमारा चैप्टर 5 खत्म होता है। थैंक यू।